लंच देखिए कितना अच्छा अच्छा लंच मिलता है इस स्कूल में। फिर नैन्सी के ससुर भी आए हैं जो आप लोग को बाद में दिखाएंगे। अब पति को भी वहीं पर हाथ बजाना है जहाँ पे क्रियास बजा रहा है, अब चला गया। अजिया को जो है डॉक्टर के पास ले जाना है कि बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो देख सकते हैं जी, हमारा क्रियास हो गया है तैयार और बहुत खुश है बाहर जाने के लिए। तो क्रियास को लेकर के चलते हैं पार्क। पार्क में जो बजे में खेलता है तो चले क्या, चलते हैं वहाँ पर है। और यहाँ किया जो है लगभग 4-5 बार साइकिल से गिरने के बाद छठी बार अच्छे से चला ली है, तो चलते हैं। The next day. तो अभी बजे हैं जी सुबह के 9 और इसी समय जो है हमारा सोना हुआ है, तो सो करके उठ के एकदम फ्रेश हो गए और अब हमें लग गई है बहुत ही तेज भूख, तो जल्दी से जाते हैं कुछ खाते। और ये हमारे झंडे लाल गति को देखिए, गति क्या कर रहा है यहाँ पर, क्या है इस डब्बे में, मुढ़ी चूड़ा ओए तबला बजा रहा है ये, और उधर के यहाँ सपना अलग कर रहा है कारकुनी। दीदी देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है सारा बोतल चाहिए इसको। और ये हमारा खाना लग रहा है जी, तो भूख भी बहुत तेज लग गई है मुझे। एक सोनू का है, एक सोनू के जीजा जी का है। अच्छा, नैन्सी लगा रही है। बढ़िया है जी, आटा गूंथ के गई है। हम सास वाला काम सब कुछ इतना काम किया है, ननद भाभी हम सोचते हैं इस बच्चा बना देंगे, पिला देंगे, बहुत बढ़िया। सुबह से चाय वाली ड्यूटी होती है बच्चों को पकड़ना। वहाँ पर दीदी जो है यह भी बोल देती है, दीदी बोल देती है कि तो सुनो ऐसा करो, हम जो खाना बना देंगे मंजूर है, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। सही कहे छे, बच्चा वाली के बच्चा नहीं गचना चाहिए। कहता है जो हल चलाता है उसका हल नहीं गचना चाहिए। दीदी का भी हाथ जो है एक तो मचक चुका है, जिया का भी मचक चुका है, मेरा भी ये कलाई जो है मचक चुका है, तो क्रियांश की कृपा है। कोई क्रियांश अच्छा बाहर नहीं उठता है तो बड़ा इसके ऊपर पे गतिक का कृपा है, गतिक का कृपा है। अब आ गए जी ये दोनों एक जगह। हाँ, अब दोनों के क्या चीज चाहिए। वाह, ओए इधर देखो क्रियांश, क्या कर रहा है तू अपने माई के साथ, इतना बदमाशी नहीं करता था, इसको देख करके ये सब भी पहले ये सब सामान नहीं उतारता था, किचन में आता था थोड़ा बहुत नीचे में जो है, लेकिन ये देख लीजिए अभी दोनों एक साथ काम कर रहा है। सब डिब्बा खाली करते का निकला, हमारे लड्डू दोनों भाई को संभालते हुए आपको। हाँ, अच्छे मन से क्या हुआ भैया, क्रिया भाई खाना खा रहे। ये लड्डू का टेबल था स्टडी टेबल और ये अभी डाइनिंग टेबल बन गया है। मम्मी इधर चाय पी रही है। पुलिस बहुत दिमाग से काम करते हैं। कई चीज़ मम्मी पूरा बहू और बेटी में बीच में फायदा उठा रही है, चाय पी रही है बस, ज्यादा कोई काम नहीं कर रही है। दीदी आज लड्डू का स्टडी टेबल डाइनिंग टेबल बन गया है, तो स्टूडेंट का लंच हुआ है। लंच देखिए कितना अच्छा अच्छा लंच मिलता है इस स्कूल में। मध्याह्न भोजन बहुत मस्त है यहाँ, मध्याह्न भोजन में थोड़ा परिवर्तन आया है, अपग्रेड, कटहल की सब्जी, क्योंकि पहले मिलता था सिर्फ खिचड़ी, अभी देखिए कितना मिल रहा है हम लोग को मिड डे मील। समझ में आई बात। हाँ, टाइम लगा थोड़ा, मध्याह्न बोले ना, तो मैं क्या मध्याह्न तो है नहीं इस समय। हाँ, तो वहाँ पे कंफ्यूजन है। कमेंट में नैन्सी के ससुराल से कोई नहीं आए हैं, ये नैन्सी की ननद है जो ससुराल से आई है, फिर नैन्सी के ससुर भी आए हैं जो आप लोग को बाद में दिखाएंगे, फिलहाल सोए हुए हैं। एक्टिंग करते हुए एक्टिंग समाप्त हुई, एक्टिंग भैया समाप्त हुई। अचानक बोलो बेटा पापा क्या खाएंगे, तुम ही दोनों खिला रहे हैं। ये वैसे खाता नहीं अभी, इसकी टिका दी मैं खा रहा है और ये खा रहा है कि पापा उसको क्यों खिला रहे हैं। हमारे दोनों जुड़वा बच्चे बार बार देखने को मौका मिलेगा। बउआ जी मेरा सब खत्म, मेरा सब काम था, काम करके खाली भोजन पानी हो गया। हाँ, अब ये सब टील लोगों का है, सबसे टफ काम यही है।
The next day. पतिदेव की गुड मॉर्निंग हो चुकी है, अभी बज रहे हैं कितने दिखाती हूँ आपको, 10 बज रहे हैं 10। प्रियांश ने पानी डाल के उठाया, इधर देख सकते हैं। दिखाइए पानी अपना कहाँ डाला है, पूरा पानी डाला। कौन सा पानी डाला वो बताओ, कौन सा पानी डाले भैया? शुद्ध जल डायरेक्ट नल से, डायरेक्ट नल से। बुका पापा कैसे उठाते हैं? A few moments late. तो मैं उठ चुका हूँ जी, बात क्या है, बेटे ने देख सकते हैं जी सुसु कर दिया है अच्छे से, सोते थे कि थोड़ा और सोएंगे क्योंकि रात में थोड़ा लेट से सोए थे, कोई बात नहीं जी अब उठ ही गए, तो जल्दी से जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, नाश्ता करते हैं और उसके बाद दिन के काम पर लगते हैं। दीदी देख लीजिए कि रियांश क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो चलो। तो क्रियांश आ गया मेरी गोदी और देखिए कैसे मुंह बना रहे लड़का, तो पापा देखो क्रियांश पापा। क्रियांश सुबह ही उठ गया था और पापा को ढूंढ रहा था, पापा तो दूसरे रूम में सो गए थे चुपके, क्रियांश उठा देगा। One hour later. तो गति किया है वहाँ पर नजारा लेने के लिए और क्रियांश अपने हाथ में जो है ओए नहीं 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 पिटता, बहुत सीधा बच्चा है बिल्कुल। ए पापा वही दिक्कत है ना, दोनों के पास अलग अलग चीज रहता है लेकिन दौड़ता है एक ही चीज के पीछे, कोई एक पकड़ लिया तो हमें वही चाहिए है ना, ये गया मम्मी के पास। क्या चल रहा है क्रियांश, क्या चल रहा है, चल क्या रहा है तब से? हाँ होगा गतिक भी बगल में जाके गतिक बोल रहा है बस हो गया, अब गतिक को भी वहीं पर हाथ बजाना है जहाँ पे क्रियांश बजा रहा है, अब चला गया। ओए क्या कर रहा है क्रियांश, गंदी आदत। हाँ हाँ बिल्कुल, वो भी खाता है इसको। अभी जिया का खाना लगा हुआ है, हमारा भी खाना उधर लग गया है और खाना खा करके निकलेंगे डॉक्टर के पास, और जिया को जो है डॉक्टर के पास ले जाना है कि बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है। हम लोगों ने सोचा ठीक हो जाएगा, बहुत सारा दवाई सब अप्लाई किया लेकिन कुछ भी काम नहीं दिया है। तो जिया का फेस पर देख सकते हैं जी रेड रेड हो गया है वहाँ पर, तो इसको कुछ स्किन एलर्जी हो गया है। तो हम लोग निकलेंगे डॉक्टर के पास और पास में ही ढेर सारे डॉक्टर है, किसी एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास हम लोग जाएंगे और देखते हैं आखिर प्रॉब्लम क्या है। बहुत सारा जो भी चीज होता है जी दवा सब सब कुछ ट्राई कर लिया गया है, हर तरह से सजेशन सब ले लिया और कुछ काम नहीं कर रहा है, तो अच्छा है कि सबसे अच्छा कि किसी स्पेशलिस्ट के पास ही जाए। तो उसके साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और बाकी डॉक्टर को दिखाने के बाद जो है हम लोग कहीं निकलने भी वाले हैं, तो वह सरप्राइज रहेगा और बहुत ही मजेदार वीडियो आने वाला है, तो आप लोग चैनल से बने रहिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले। हाँ जी वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दें, शेयर से हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।